वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित अचानक एक कुरकुरे फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद औद्योगिक थाना के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। लगभग एक दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से 5 घंटे में काबू पा लिया गया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं हाजीपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, क्या मामला है पूरा, किस वजह से आग लगी कुरकुरे फैक्ट्री में? बीती रात देर रात में एक अचानक कुरकुरे की कारखाना थी, उसमें आग लग गई, जिससे पूरे तरीके से कारखाना जलकर राख हो गया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय थाने को दिया गया। मौके पर औद्योगिक थाने की पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 5 घंटे के बाद उस आग पे काबू पाया गया। जी जी, वजह क्या रही अभिषेक? अभी तक वजह सामने नहीं आ, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जी अभिषेक, आखिरी सवाल करूंगी, इस आग लगने से कितना नुकसान हुआ है? नुकसान लगभग करोड़ों का बताया जा रहा है कि नुकसान है। पूरा कारखाना जो था खाक में तब्दील हो गया। जी अभिषेक, क्या उस फैक्ट्री में उस वक्त कोई कर्मी भी मौजूद थे? क्या कोई हताहत की भी सूचना सामने आई है? नहीं, कोई कोई दुर्घटना नहीं हुआ। सब कोई बाहर स्थित था, कोई दुर्घटना नहीं हो पाई। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया अभिषेक। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको हाजीपुर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुरकुरे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और लगभग 5 घंटे लगे इस आग को काबू पाने के लिए।